हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम चैप्टर 5 रिजर्वेखीय पथ पर गति के न्यूटन की गति के समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि उससे हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो पहला ये है कि चूँकि ये एक विमीय गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है, इसलिए सरल रेखा जिसके अनुदिश गति हो रही है दाएं अथवा बाएं या ऊपर अथवा नीचे कहीं भी हो सकती है। अतः शुद्ध गतिकी के समीकरणों में आने वाली विभिन्न राशियों जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि को उचित चिन्ह के साथ रखा जाना आवश्यक है। सेकेंड टर्म यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गतिशील वस्तु सरल रेखा में गति करते करते उसी मार्ग पर वापस आना शुरू कर देती है, अर्थात गति में उत्क्रमण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टर्म यह है कि विस्थापन का समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस उद्देश्य से लिया गया है कि किसी क्षण t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर स्थित था या t बराबर 0 पर s बराबर 0, मतलब समय जब 0 हो तो दूरी 0, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में t बराबर 0 पर s बराबर s 0 हो या s बराबर s नॉट हो, तो उस स्थित में s माइनस s नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तथा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में s माइनस s नॉट। और एक नेक्स्ट टर्म है कि अगर ये एक समान त्वरण में गतिशील वस्तु द्वारा nवे सेकंड में चली गई दूरी, तो डेल एस इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, जहाँ एस एन एन सेकेंड में तथा एस एन माइनस वन एन माइनस वन सेकेंडों में चली गई दूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे टी बराबर एन तथा टी वन बराबर एन माइनस वन लेते हैं, तो डेल एस इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस यू इन ब्रैकेट एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस वन टू द होल स्क्वायर ब्रैकेट बन आफ्टर सॉल्विंग डेल एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, अर्थात एनवे सेकंड में चली गई दूरी का जो फार्मूला हम निकालेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू यू प्लस वन बाई टू ए ब्रैकेट में टू एन माइनस वन। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में कुछ विशेष स्थितियाँ आती हैं जहाँ हमें किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि को किसी एक ऐसी वस्तु के सापेक्ष जो या तो गतिमान हो या विराम में हो मापने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि गति या विराम सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, इसलिए कोई एक गतिमान वस्तु किसी एक प्रेक्षक की दृष्टि में गतिमान किंतु उसी क्षण किसी अन्य प्रेक्षक की दृष्टि में विराम अवस्था में हो सकती है। तो जैसे हम कोई उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति ए एक सरल रेखा पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गतिमान है। अब यदि इस व्यक्ति की गति के संबंध में किसी अन्य स्थिर प्रेक्षक बी से पूछा जाए तो उसकी दृष्टि में व्यक्ति ए 1 मीटर एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी या दूसरे शब्दों में कहा जाए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। तो मतलब कहने का मतलब कि एक के अकॉर्डिंग दूसरा गतिशील है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी परिमाण में, दिशा में अथवा दोनों में परिवर्तित हो रही हो तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष गतिमान है। किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी से प्रेक्षित किया जा सके अथवा ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है तथा इसे सांकेतिक रूप से वी सफिक्स में ए बी से प्रदर्शित करते हैं।